अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर रहे होंगे ना। मैथ्स की प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, आपको पता है। और अब आप क्लास 3 में आ गए हैं तो आपको ये भी पता है कि ऑपरेशंस के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अभी हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एडिशन से, ठीक है। एडिशन की बेसिक चीज़ें तो मैं आपको नहीं बता रही, ऑब्वियसली आप लोगों को पहले से बहुत कुछ पता है। अभी मैं आपको जो मेन चीज़ बता रही हूँ वो ये है कि जो सम्स होते हैं आपके पास एडिशन के, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर परेशान हुए उनको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स को ऐड करना सीखा होता है, टेंस में ऐड करना सीखा होता है। इससे ज़्यादा जब वो देखते हैं वो थोड़े घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स में, एडिशन में, जो कि आखिर तक चलती रहती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये यूनिट की प्लेस है, ये टेंस की, हंड्रेड्स की, थाउजेंड्स की। सबसे पहले जो टर्न आती है एडिशन में, सबसे पहले जो आपको ऐड करना होता है वो यूनिट ऐड करना होता है, ठीक है। यूनिट नंबर ऊपर में है 1 और नीचे है 9, ठीक है। यानी 9 में 1 ऐड होना है। तो हम खोलेंगे 9 फिंगर्स, ठीक है। 9 + 1 तो हमारे पास कितनी फिंगर्स आ गई, 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पूरा 10 यहाँ पर लिख देंगे, 0 और 1 यहाँ लिख दूँ मैं, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट के ऊपर तो सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है ना, 2 डिजिट्स तो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मेरा जो 1 है वो कहाँ जाएगा, मैं 10 ऐसे लिखती हूँ ना, ये जो यूनिट प्लेस है ये आंसर में आ जाएगी, और ये जो टेंस की प्लेस है ये कैरी ऑन हो जाएगी नेक्स्ट वाले नंबर पे, ठीक है। हमेशा हम कैरी ऑन कौन से नंबर पे करते हैं, जो भी इसके नेक्स्ट नंबर होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट था टेंस में नंबर, तो टेंस में हमने कैरी ऑन कर दिया, ठीक है। मैं अलग कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके लिए प्रोमिनेंट हो जाए, और जब आप भी किया करें काम तो ऐसे किया करें कि आपने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ हो किसी और पेंसिल से और उसको सॉल्व करें आप किसी और पेंसिल से, ताकि सॉल्यूशन आपको क्लियरली नज़र आए, कैरी ऑन आपको स्पेशली नज़र आए। अगर आप ब्लू पेंसिल यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कैरी ऑन हमेशा ब्लू पेंसिल से लगाया करें ताकि वो प्रोमिनेंट हो, आपको अलग से नज़र आए, एडिशन करने में फिर आसानी होती है। अच्छा, अब कौन सी टर्न आई है आपके पास, अब आपको जो ऐड करना है वो है 6, 1 और 2। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक है। आप 6 फिंगर्स खोल लें, 6 फिंगर्स के बाद और कितना ऐड करना है मुझे, 2, तो मैंने 2 फिंगर्स और खोल ली, और मुझे जो 1 कैरी ऑन है वो भी तो ऐड करना है, मैंने खोल लिया, ठीक है। मेरी टोटल फिंगर्स कितनी खुल गई हैं, 9, यानी 6 + 2 + 1 आंसर है मेरे पास 9, ठीक है। 9 जो है टेंस में ही हमने लिख दिया, हम प्लेस वैल्यू को इधर उधर नहीं हिलाते, जिसका आंसर है उसी के नीचे लिखते हैं, ठीक है, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता है। नाउ 7 + 10, अब क्या करूं मैं, मेरे पास 7 फिंगर्स तो हैं, अब मैं 8 और फिंगर्स कैसे लाऊं, कैसे ऐड करूं, मेरे पास तो इतनी सारी फिंगर्स नहीं आए, जस्ट हैव 10 फिंगर्स ना, तो मैं क्या करूं। अब मेरे पास एक और तरीका है, 8 और 7 में बड़ा नंबर है 8, अब मैं 8 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करूंगी, ठीक है। 7 फिंगर्स है ना मेरे पास, जब तक मेरी 7 फिंगर्स नहीं खुल जाती तब तक मैं अपनी काउंटिंग्स जो है वो कंटिन्यू रखूँगी। 8 के बाद आता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। फिंगर्स कितनी खुल गई मेरी, 7, और आंसर क्या आया मेरे पास, 15। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ सिर्फ 5 लिखूँगी, मैं पूरा 15 यहाँ नहीं लिखूँगी, मुझे 1 कैरी ऑन करना है नेक्स्ट नंबर पे, जो मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं खोलूँगी 3 फिंगर्स, 2 फिंगर्स और 1 फिंगर, अब मेरे पास क्या आंसर आया, 6। जब मैंने 3761 को 2829 से ऐड किया है तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 6590, ठीक है। मज़े का है, बहुत आसान है, करने में कोई मसला नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास बट ये हॉरिजॉन्टल है, मुझे इसको वर्टिकल लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व वर्टिकली या राइट वर्टिकली एंड सॉल्व, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप प्लेस वैल्यू की टेबल बनाएंगे, जैसे कि अक्सर मैं आप लोगों से बनवाती हूँ आपकी क्लास में, ठीक है। आपने यूनिट 10, 100, 1000 की प्लेस बना ली आराम से,
उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर एज इट इज इसको कॉपी करेंगे। ये पहले है 1, 4, 9, 5, ठीक है, सबको उसकी प्लेस पे बिठा दिया, आराम से सब बैठ गए। अब ये जो नंबर्स है ना, इनको इनकी प्लेस पे बिठाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट नंबर है ये यूनिट है, सेकंड नंबर टेंस है, थर्ड नंबर 100 है और फोर्थ नंबर 1000 है, ठीक है। तो हम इनको इनके अकॉर्डिंग बिठाएंगे, ऐसा नहीं है कि 0 को मैं यहाँ रख दूँ, 2 को मैं यहाँ रख दूँ, हम सब कुछ प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी यहाँ आएगा 7, फिर 9, फिर 2 और फिर 0, और ये सब क्या होगा, ये सब होगा ऐड। अब हम देखते हैं कैसे ऐड होगा। हमारे पास है 5 फिंगर्स खोल लिए हमने, 0 फिंगर्स कैसे खोलने, 0 का तो मतलब होता है नो वैल्यू, यानी मुझे कोई फिंगर नहीं खोलनी, इट मीन्स 5 में मुझे कुछ भी प्लस नहीं करना। तो आंसर क्या आएगा, क्या आंसर 0 आएगा, आंसर 0 नहीं आएगा, मेरे पास 5 फिंगर्स हैं, मेरा आंसर 5 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे 5। अच्छा, अब हमें 9 और 2 फिंगर्स खोलनी है। 9 फिंगर्स तो मैंने खोल ली, अब 2 फिंगर्स कैसे खोलूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा फिंगर्स तो नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 9 के बाद से काउंट करूँगी, 2 मैंने फिंगर्स खोली हुई है, लेट्स काउंट। 9 के बाद क्या आता है, 10, 11, आंसर क्या है मेरा, 9 + 2 = 11, मैंने 1 लिखा है, 1 कैरी ऑन हो गया यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे। अब अगेन मेरे पास 9 भी बड़ा नंबर आ गया, 4 फिंगर्स भी नहीं खोल सकती, मैं क्या करूँगी, मैं 9 के बाद काउंट करूँगी। हम पहले इन दोनों को काउंट कर लेते हैं, 4 + 1 तो 5 होता है ना। 9 के बाद से अब काउंट करते हैं कि 9 में जब हम 5 ऐड कर देते हैं तो कितना नंबर हमारे पास, कौन सा नंबर आता है। 9 + 5, अब हम देखते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 14। 14 का 4 यहाँ लिखेंगे और 1 हो गया कैरी ऑन, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा आराम से, 7 फिंगर्स खोल ली, फिर 1 फिंगर भी खोल ली और एक 1 कैरी ऑन वाली फिंगर भी खोल ली, हमारे पास आंसर आया है 9। जब हमने 1495 को प्लस किया 7920 से, तो हमारे पास आंसर आया है 9415। बहुत आसान होता है हमें इस तरह वर्टिकल लिख के सॉल्व करना, बस हमें ये ख्याल रखना होता है कि यूनिट के नीचे यूनिट आए, टेंस के नीचे टेंस आए, 100 के नीचे हंड्रेड्स और 1000 के नीचे थाउजेंड्स। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हर चीज़ लिखेंगे तो आंसर भी बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा। एडिशन के कुछ रूल्स होते हैं जो आगे तक सेम रहते हैं, हमेशा कैरी ऑन करते हैं अगर 2 डिजिट का आंसर आ जाता है तो, और कैरी ऑन हमेशा नेक्स्ट नंबर पे करते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई काम, कोई सम गलत नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।